ये बड़े नसीबों वाला गिरोह होता है। अहले इल्म का गिरोह, अहले कुरान का गिरोह, अहले हदीस का गिरोह, ये बड़े अजीम लोग हैं। बचपन से सुनते आ रहे थे कि इनके लिए मछलियां पानी के अंदर दुआएं करती हैं, हत्ता नमल फी जोहरेहा, चींटियां अपने बिलों के अंदर इनके लिए दुआएं करती हैं, और जब पढ़ाना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाकया बड़ा मारूफ है, अक्सर उलमाए कराम पंजाबी का शार के अंदर भी उसका तज़करा फरमाते हैं। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन अय्युहन नमल उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशुरून। अल्लाह के नबी का यह फरमान सच और हक था, है और क़यामत तक रहेगा कि चींटियां बिलों के अंदर है, हम यहां बैठे हुए हैं, अहले इल्म यहां तशरीफ फरमा है। जो सीखने के लिए निकलता है, सिखाने के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म है, वो चींटियों के सामने अपने बंदों के नामों के तज़किरे फरमा देता है। फला बच्चा, फला इब्ने फला, फला आलिम, फला कारी। मछलियां हैं पानी के अंदर, हमें उनकी तादाद का तायुन नहीं, हमें उनके बारे में इलम नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हशरातुल अर्ज को, पानियों की मखलूकों को हमारे नाम सिखा दिए। हमें पता भी नहीं अल्लाह की वो मखलूक नाम ले लेकर हमारे लिए रब से दुआए मगफिरत फरमा रही। और मिसाल वही कुरान पाक की आयत, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम लाओ लश्कर लेकर निकले, कहां जाना है, चलते हैं अल्लाह से बारिश के लिए इल्तजा करनी है, दुआ करनी है। जब चींटियों की वादी में पहुंचे, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल قالت نملة ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, चींटी की आवाज को अल्लाह ने सुनवा दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुनवा दिया, रब की तरफ से फैसला आ गया, सुलेमान जी आप और आपका लश्कर लौट जाएं, आपकी आमद से पहले हमने चींटियों की दुआओं का अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा लिया है। और दिल से जो बात निकलती है ना, वो असर रखती है, उसके पर नहीं होते मगर परवाज की ताकत अल्लाह उसे अता फरमा देता है। ये बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, ये अजीब अल्लाह का कलाम है, पढ़ेगा राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, अमल करेगा जन्नत मिलेगी। एक वो है जिन्हें बड़ी मुश्किलात हैं, हर कोई इस्तेहजा उड़ाए, मजाक उड़ाए, इसकी हिम्मत नहीं कि कुरान पाक को लोगों के सामने खुल करके तिलावत कर सके, फिर ये मुश्किलात के अंदर अटकता है, बार बार अटकता है। इसके अटकने की वजह से लहू अजरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोहरा सवाब अता फरमा देता है। एक कुरान के पढ़ने का सवाब है, एक तेरे लिए अड़ने का सवाब है। अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह को ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जियारत हुई, कहते हैं अल्लाह जी अगर फिर आपसे मिलना चाहूं तो फिर कैसे मुमकिन है आपसे मुलाकात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जब भी मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश हो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, मैं आपसे मुलाकात का मौका आपको जरूर अता फरमा दूंगा। अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने पूछा, बिफहमिन औ बिला फहमिन, अल्लाह कुरान को समझकर यानी तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, तफसील के साथ पढ़ूं या सादा पढ़ता चला जाऊं, अल्लाह तो फिर भी मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमतों को बेकिनार और बेहद फरमा दिया, इरशाद फरमाया बिफहमिन औ बिला फहमिन, कुरान को समझकर पढ़ फिर भी अल्लाह मिल जाएगा, बेसमझी में पढ़ता चला जा, अल्लाह फिर भी तुझे अपनी जियारत का मौका जरूर अता फरमा देगा। सामिर जी वकार,
इंशाल्लाह असल और मुफसल खिताबात आप सुनेंगे। मेरी खुश नसीबी ये है कि इस मजलिस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सब की ज्यारत का मौका अता फरमा दिया। तहसील दसका के जिम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है, अमीर साहब तशरीफ़ फरमा, नाजिम साहब तशरीफ़ फरमा, हमारे पुराने साथी मेहरबान हाफिज़ अब्दुल गफ्फार साहब।